हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, हरियाणा में 10,000 पदों पर बड़ी भर्ती आने वाली है और इसके लिए मीटिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई है, आपको ऑफिशियली ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ न्यूज़पेपर की ही। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी IIT JEE नीट या एम्स की कोचिंग लेना चाहता है देश के टॉप फैकल्टी के द्वारा मात्र 30,000 रुपये में, दोस्तों इसमें भाग लेने के लिए आपको करना क्या होगा, एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट में आपको 50% नंबर लेना अनिवार्य रहेगा और दोस्तों 70% प्रीवियस क्लास में आपके नंबर होने चाहिए। 11th क्लास के लिए जो इन्होंने एग्ज़ाम डेट रखी है वो 26 तारीख रखी है और ड्रॉपर बैच के लिए 19 मई रखी है। तो दोस्तों, यदि आप इसमें 50% स्कोर करते हो तो आपको जो नीट की, एम्स की, जेई की कोचिंग मात्र 30,000 रुपये में दी जाएगी। साथ में आपको 11वीं और 12वीं क्लास का सिलेबस भी करवाया जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सनली मैं इसे सपोर्ट करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि अच्छी चीज़ बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये संदीप भाई ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर है ये 15 मई का ही, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, 15 दैनिक भास्कर हिसार बुधवार 15 मई 2019, यानी कि आज का न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले 100 दिन में होंगी बम्पर भर्तियाँ, जेई, कलर्क, पटवारी और ग्रुप डी के खाली पदों की मांगी गई रिपोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 दिन का ही समय बचेगा आचार संहिता हटते ही विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है। और इसमें जेई, कलर्क, पटवारी, ग्रुप डी के खाली पदों की मांगी गई है रिपोर्ट। अब यहाँ पे इन्होंने मीटिंग करने का भी फैसला लिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 दिन में 123 विभाग, सभी कमिश्नर व DC कार्यालयों के अफसर पंचकुला में करेंगे मंथन। तो दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी अपडेट है, सरकार चाहती है शायद भर्ती करवाना, और अभी भर्ती करवाने के लिए केवल 100 दिन का ही टाइम इनके पास है, ठीक है। और ये अनेक प्रकार की भर्ती आएंगी, इसमें ग्रुप A, B, C व D, वह आपको नाम तो मैंने इसमें बता ही रखे हैं, इन पदों पर भर्तियां जल्द आएगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा भी भर्तियां आने के आसार हैं, जैसे ही आपके जो आचार संहिता हट जाती है लोकसभा की, उसके तुरंत बाद जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो डिपार्टमेंट है, कार्यालय है, पहले ही एक्शन लिया जा रहा है इनके द्वारा, ताकि जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो, आचार संहिता कंप्लीट हो, उसके तुरंत बाद भर्तियां निकाली जाए। और दोस्तों, जो कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई है पहले वाली, उनके बारे में भी इन पर मंथन किया जाएगा, उन पर भी विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरा डाटा यहां पे दे रखा कि कितनी भर्तियां पेंडिंग है, ठीक है। और दोस्तों, अभी इन्होंने बताया है कि HSC कर चुका है 66,000 पदों पर भर्तियां, भाजपा सरकार में HSC ने 73,000 पदों पर भर्ती निकाली, इनमें से 66,000 पदों पर सभी प्रक्रियाएं, तो 66,000 पदों पर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, जबकि 7,000 भर्तियों में लिखित परीक्षा हो चुकी है, जबकि 2,000 से ज़्यादा भर्तियां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कर चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कोर्ट में अटकी है उन भर्तियों पर भी विचार किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यही थी अपडेट आज के न्यूज़पेपर में, आप ये देख सकते हैं, और 10,000 से ज़्यादा भर्ती पदों पर ये भर्ती आने वाली दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले। सरकार चाहती कि इन सभी जो भर्तियों की प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि बेस ज़रूर चाहिए गवर्नमेंट को किस वजह पर ये पब्लिक के बीच में आई, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप अपने कमेंट ज़रूर दें इसमें कि आप क्या देखते हैं इसके बारे में, कि भर्तियां आएगी तो किस किस चीज़ की आएगी। और दोस्तों, जल्द ही एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ जिसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि किन किन पदों पर भर्तियां आएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, क्या भर्तियां पूरी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।
और दोस्तों यदि आपके परिवार में है कोई बच्चा जो IIT नीट JEE एम्स की तैयारी करना चाहता है देश के टॉप फैकल्टी के द्वारा, तो इनविंसिबल इंस्टीट्यूट और KDTD मिलकर आपके लिए लेके आए हैं एक पहल की है कि आपको कम फीस में बढ़िया कोचिंग दे दी जाए, तो आप इस टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा। 19 तारीख और 26 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। इन नंबरों पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूं दोस्तों, मैं खुद गया हूं, सेंटर A1 कंडीशन में है, बिल्कुल हिसार में आपको शायद हरियाणा में इस प्रकार का कोई आपको सेंटर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए और अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का भविष्य सुवारिए।